हेलो दोस्तों कैसे आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है तो पिछले वीडियो में हमने नाउन का देखा था और नाउन में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट रूल थे वो सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया था और आज भी कुछ जो टॉपिक बचे हुए हैं नाउन के वो आज मैं नाउन के बारे में ही बात करूँगा नाउन के कुछ रूल्स बचे हुए हैं उसी को बताऊँगा और एक और वीडियो आएगा नाउन का जो कि पजेसिव केस के बारे में बताऊँगा तो नाउन के केसेस में से एक केस आता है पजेसिव केस तो पजेसिव केस का जो यूज़ करना है वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा और ये वाले वीडियो में केवल नाउन का स्पेशली जो नंबर के अकॉर्डिंग जो रूल होता है उसके रूल हम लोग देखेंगे इसमें तो आइए चलिए चलते हैं रूल की ओर तो आइए बिना किसी तरीके हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और रूल्स पे हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक बारह नंबर का रूल हम लोग ग्यारह रूल तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग देखेंगे आगे के रूल्स यानी बारह नंबर नम्ब, बारह नंबर का रूल जो हमारा आज बारह नंबर का रूल है वो एक ऐसा रूल है कि जहाँ पर अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है फ़िक्स नंबर यहाँ पे बोला गया है कि फ़िक्स नंबर के बाद अगर हंड्रेड थाउजेंड डोजन या फिर माइल या फिर किलोमीटर अगर ये सब आते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं यानी कि हंड्रेड hundred का हंड्रेड्स नहीं करेंगे थाउजेंड thousand का थाउजेंड्स नहीं करेंगे डोजन dozen का डोजेंस नहीं करेंगे या माइल mile का माइल्स नहीं करेंगे ठीक है और वो फिक्स नंबर होंगे कौन कौन से फिक्स नंबर जैसे कि अगर हम बात करें अ हो सकता है आ मतलब वन ये अ मतलब वन होता ही नहीं है लेकिन वन के रूप में हम अ का यूज कर सकते हैं ठीक है वन आ जाए या फिर टू आ जाए ये सब फिक्स नंबर है कि नहीं थ्री आ जाए ठीक अगर इन सब नंबर के बाद अगर हंड्रेड थाउजेंड डोजन माइल या फिर किलोमीटर आएंगे तो ये हमेशा क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं ठीक है ये हमारा अगला रूल है तो अगले रूल पे ये रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि सी हैज़ टेन हंड्रेड रुपीज़ यानी उसके पास दस टेन हंड्रेड यानी वन थाउजेंड है यहाँ पर हंड्रेड्स थाउजेंड रहना चाहिए था चलिए कोई बात नहीं टेन की जगह आप ऐसा कर देते हैं यहाँ पर नाइन कर देते हैं नाइन हंड्रेड्स रुपीज नौ सौ रुपए हैं उसके पास तो यहाँ पर अभी बताया गया है कि जो फिक्स नंबर फिक्स नंबर यही काउंट यही नंबर ही होता है ना वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सारी चीज़ें यही सब नंबर होते हैं और इस नंबर के बाद आने वाले जो हंड्रेड थाउजेंड डोजेंड माइल्स ये सब जो होते हैं सिंगुलर होते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो हमारा ये जो हंड्रेड है हंड्रेड की जगह पे क्या लिखा गया है हंड्रेड्स लिखा गया है तो ये हमारा गलत हुआ कि नहीं गलत इसलिए हुआ क्योंकि इसके पहले फिक्स नंबर है ठीक तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि हंड्रेड वैसे ये रूल मैंने पहले बता दिया है हंड्रेड रुपीज़ ये वाला रूल मैंने पहले बता दिया है फिर भी एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं ठीक है तो ये हो गया तो एक बात ये आती है क्या हंड्रेड्स होता ही नहीं है क्या होता है लेकिन यहाँ पर रूल में क्या बोला है फिक्स नंबर अगर फिक्स नंबर न रहे तब हम वहां पर क्या यूज करते हैं वो प्लूरल कर देते हैं इसको जैसे कि अगर हम यहाँ पे नौ सौ रुपए है न सौ को सैकड़ा भी कहते हैं अगर हम कहें उसके पास सैकड़ों रुपए है तो सैकड़ों रुपए की हम बात करते हैं तो सैकड़ों रुपए की बात ये होती है तो यहाँ पर हो जाएगा हंड्रेड्स ऑफ रुपीज हंड्रेड ऑफ रुपीज हो जाएगा ठीक एक रूल और मैंने बताया था कि यदि नाउन के पहले कोई नाउन आता है तो पहले वाला नाउन हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है उसके अकॉर्डिंग भी यहां पर क्या होगा ये सिंगुलर होना चाहिए ये 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 एक नाउन 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 है है और इस नाउन के पहले नाउन आ गया है, तो यानी कैसा होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए तो ये सिंगुलर है या प्लुरल था गलत हो गया देखिए एक ही रूल पे देखो एक ही क्वेश्चन पे कई सारे रूल्स अप्लाई हो जा रहे हैं अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें ही हैड टू टेन रुपी नोट्स ठीक है ही हैड टू टेन रुपी नोट तो यहां पर बात करते हैं टेन रुपी ये फिक्स है और रुपी ये भी सिंगुलर हो गया हमारा हाँ, तो यहां पर तो कोई गड़बड़ी नहीं है नोट और नोट के पहले आने वाला ये भी नाउन है ये भी नाउन है तो इसके पहले आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा तो यहां पे तो सिंगुलर है तो इसमें कोई गड़बड़ी है हाँ इसमें गड़बड़ी है यहां पर इसमें गड़बड़ी है नोट में नोट में क्यों गड़बड़ी है यहां पर भाई यहां पर ध्यान से देखिए ही हैड टू टेन रुपी नोट्स होना चाहिए था क्यों होना चाहिए था क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि उसके पास दो दस रुपए के नोट थे तो दस रुपए की नोट की संख्या बता रहा है ना जब दो दस रुपए के नोट हो गए तो जब दो है तो नोट्स होना चाहिए ना नोट तो होगा नहीं तो इसलिए यहां पर क्या होगा ये गलत है तो क्या हो जाएगा नोट्स होना चाहिए ठीक समझ आई बात और बाकी वो रूल हमारा अप्लाई करेंगे नाउन के पहले नाउन सिंगुलर तो ये सिंगुलर है वैसे फिक्स नंबर फिक्स नंबर के बाद भी आने वाला नाउन यानी इन सब में से आने वाला जो जो होता है वो होता है क्या सिंगुलर होता है ठीक अगले की बात करते हैं तो अगला बात करता है कि मैंने बताया था कि डोजन हमेशा सिंगुलर होता है कब जब डोजन के पहले फिक्स नंबर आया रहता है ना? तो क्या डोजन के पहले कोई फिक्स नंबर आया है नहीं नहीं आया है तो ही बॉड डोजन डोजन ऑफ एक्स अब इसका मतलब क्या है कि उसने कई दर्जनों अंडे खरीदे दर्जनों अंडे खरीदे तो एक रूल आता है कि अगर एक है ये डोजन हंड्रेड थाउजेंड ये सब अगर आया रहे और बीच में ऑफ लगा रहे ये रूल मैंने बताया है पिछला वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं वो रूल मैंने बता दिया है तो डोजेन हंड्रेड थाउजेंड फिर ऑफ आ रहे फिर उसके बाद कोई नाउन दिया रहे। तो ऑफ़ के दोनों साइड वाला नाउन क्या होता है प्लूरल होता है जैसे कि अगर हम बात करें ऐसा ये आ जाए डोजन हंड्रेड या फिर थाउजेंड थाउजेंड आ जाए और इसके बाद लगा रहे क्या ऑफ ठीक अच्छा सॉरी यहाँ पर डोजेंस होगा हंड्रेड्स होगा थाउजेंड्स होगा और डोजेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स और बीच में ऑफ लगा रहेगा बाकी इधर जो आने वाला नाउन भी जो होगा ये भी क्या होगा प्लूरल ही होगा तो यहाँ पर ये ऑफ लगा हुआ है और इधर का नाउन इधर का नाउन इधर देख रहे हैं डोजन लगा है तो यानी ये डोजन गलत है क्या होना चाहिए डोजेंस होना चाहिए और एग्स सही है ऑफ़ के इधर उधर जो दोनों होगा वो दोनों क्या होगा प्लूरल होगा लेकिन एक साइड ध्यान देना चाहिए कि यहां पर डोजन हंड्रेड थाउजेंड में कोई एक होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर डोजन की जगह पर क्या हो जाएगा डोजेंस हो जाएगा ठीक है एक बात यह ध्यान देनी है कि इधर, इधर वाला पार्ट भी प्लूरल होगा इधर वाला पार्ट भी प्लूरल होगा अब यहाँ पर पता चलता है कि इसकी संख्या पता चल रही है कि कितनी है यहाँ बस बोला जाए दर्जन वनडे है कितनी है नहीं पता आगे देखते हैं हंड्रेड्स अब देखो यहाँ पर हंड्रेड्स आ गया यहाँ पर ठीक है प्लूरल है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर फेल्ड इन द एग्जाम तो इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी कोई गलती कोई मिस्टेक दिख रहा है तो यहीं गलती मिलना होगा तो यहीं मिलना होगा हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑफ से जुड़ा हुआ है हंड्रेड इधर है और ये प्लूरल है और ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो भी प्लूरल है तो इस सेंटेंस में वर फेल्ड इन the एग्जाम तो ये हमारा जो सेंटेंस लिखा गया है ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है कोई भी गड़बड़ी इसमें नहीं है ठीक है अगले में देख लेते हैं फाइव डोजेंस एग तो यहां पे देख रहे हैं डोजेंस आ गया है और एग्स आ गया है तो एक्स तो मान लो है ही लेकिन अगर यहां पे तो बीच में तो ऑफ तो आया ही नहीं ऑफ आया होता तब ना ये दोनों प्लूरल होता लेकिन इसके पहले देख रहे हैं कि फिक्स नंबर आ गया एक फिक्स नंबर आ गया तो फिक्स नंबर के बाद देख रहे हैं फिक्स नंबर के बाद आने वाला जो हंड्रेड डोज़न माइल ये सब होता है क्या होता है सिंगुलर होता है तो ये डोज़ेंस जो है गलत है ठीक तो यहां पर ये वाला रूल समझ में आया तो ये हो गया ठीक है तो आगे हम लोग देख लेते हैं अच्छा एक रूल तो मैंने हाईफेन वाला भी बताया था फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि हाइफन क्या है जब किसी दो नाउन के बीच में हाइफन लगा हुआ है दो नाउन के बीच में हाइफन लगा हुआ है तो वो दोनों नाउन हमेशा क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं तो ध्यान देना दो नाउन के बीच में हाइफन लगा रहेगा तब कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा तो प्लूरल हो सकता है ठीक है तो आइए हम लोग आगे के रूल्स देख लेते हैं आगे के रूल्स है हमारे तेरह नंबर का जो रूल है यहाँ पर दिया गया है एक हम लोगों ने यहाँ पर दो दो रूल एक साथ हम लोग देखेंगे देख रहे हैं कि ईच एवरी आइदर नाइदर और यहाँ पर ईच आइदर नाइदर नन वन ये सब हैं ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे कुछ है यहाँ पर ये यह एडजेक्टिव के रूप में यूज होंगे और ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ होंगे जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग नाउन कैसे आता है और जब प्रोनाउन के रूप में जब ये आते हैं तो वहाँ पर वो कैसे उनके बाद नाउन आता है तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर देखिए ईच एवरी आइदर नाइदर अगर ये सब जो आए हुए हैं और इनके तुरंत बाद नाउन आया है तो इसका मतलब ये जो है कि ये एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करते हैं जो कि क्या कहलाते हैं एडजेक्टिव ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव होते हैं जब ये एडजेक्टिव होते हैं तो इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है कि ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए हमेशा सिंगुलर होना चाहिए कभी भी इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल नहीं होगा हाँ ध्यान देना तुरंत बाद आने वाला नाउन प्लूरल नहीं होगा ठीक और एक बात है कि इनके बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है और जब सब्जेक्ट की जगह पे ये सब यूज किए जाते हैं तो उनके लिए वर्ब जो है सिंगुलर लगता है तो ध्यान देना ईच एवरी आइदर नाइदर कैसे भी अगर सब्जेक्ट के रूप में आए हैं तो सब्जेक्ट वर्ब हमारा सिंगुलर ही लगेगा ठीक वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर देखेंगे ईच जबकि वहां पे देख रहे हैं तुरंत बाद नाउन आ रहा है लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ईच आइदर नाइदर नन वन अगर ये सब आए हुए हैं तो ये यहाँ पे तो ये जो है एज अ काम कर रहे हैं प्रोनाउन की तरह ठीक प्रोनाउन की तरह काम कर रहे हैं ठीक है जब ये प्रोनाउन के रूप में आएंगे तो और इनके बाद ऑफ द लगा रहेगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑफ इन सब के बाद ईच आइदर नाइदर नन वन अगर इनके बाद ऑफ द आया है तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा प्लूरल होगा बात ध्यान देना यहाँ पर देख रहे हैं वही चीज के बाद नाउन सिंगुलर आ रहा है लेकिन वहीं पे इसके बाद नाउन जो आ रहा है प्लूरल आ रहा है कुल कारामात किसका है ऑफ द अगर बीच में ऑफ द आया हुआ है और तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा प्लूरल होगा लेकिन बात करते हैं जब ये सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा वो वर्ब होगा हमारा सिंगुलर ठीक है यानी कुल मिला दे के हमको ये बात सोचनी है ये बात करनी है कि ईच आइदर नाइदर नन ये सब अगर कहीं पर भी आ गया है सब्जेक्ट के रूप में तो वहाँ पर वो हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा ठीक है सिंगुलर होते हैं दिखे भले ही दिखने में लगे प्लूरल है लेकिन वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा चलिए इससे कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बहुत ज़्यादा टफ ये है नहीं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है ईच और देख रहे हैं ईच के तुरंत बाद नाउन आया है ऑफ लगा नहीं है तो ईच हाउसेज इज वाइट तो ईच हाउसेज इज वाइट तो हाउसेस तो होगा नहीं तो हाउसेज जो होगा गलत होगा क्योंकि इन सब के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए तो हाउसेज नहीं होगा क्या हो जाएगा हाउस हो जाएगा क्या हमारा वर्ब सही है यहाँ पर हाँ सही है क्योंकि इसके बाद इन सब के बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाता है ठीक है अगर अगले में देखें तो आइदर दिया है तो आइदर भी एक यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में काम करें क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन आया है तो यहाँ पर ये यह नाउन देख रहे हैं हमारा सिंगुलर है तो यहाँ तक तो हमारा सही है लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है क्या हैव हैव दे दिया है तो हैव क्या है एक प्लूरल वर्ब होता है हैव एक प्लूरल वर्ब होता है लेकिन इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है जो कि ये गलत है है ना तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हैव की जगह हैज होना चाहिए आइदर बॉय हैज़ कम ठीक है बातें समझ आई वैसे ही अगर यहाँ पर देखें तो इसका भी रूल हम लोग देख लेंगे कि इन सब के बाद अगर ऑफ द आया हुआ है तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा कैसा होगा सिंगुलर होगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें ईच ऑफ द स्टूडेंट तो ईच ऑफ देखो ईच है अगर ऑफ द नहीं होता तो स्टूडेंट हमारा सही होता कोई दिक्कत नहीं ईच स्टूडेंट हैज़ गॉन ये हमारा सही होता लेकिन ईच ऑफ द स्टूडेंट्स दिया है तो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स होना चाहिए क्यों क्योंकि ईच आइदर नाइदर के बाद अगर ऑफ द लगा है तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा प्लूरल होगा ठीक है और हैज गॉन सिंगुलर रॉब है हमारा सही है कोई दिक्कत नहीं वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखें ईच ऑफ द स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ये यह हमारा सही है जो कि हमने ऊपर वैसे ही बनाया ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ तक सही है आगे चलते हैं जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दे दिया हैव तो हैव गलत है क्योंकि इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमारा क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए लेकिन ये वर्ब कैसा लगा है प्लूरल तो ये गलत हुआ तो क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे हैज ठीक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ही इज सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है ही इज वन वन होना चाहिए था ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय तो हम देख रहे हैं यहां पर वन ऑफ द देखो ईच ऑफ द आइदर ऑफ द नाइदर ऑफ द नन ऑफ द वन ऑफ द अगर यह सब आया है तो उसके बाद आने वाला नाम कैसा होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए तो यहां तक तो हमारा सही है और आगे पढ़ें ये तो एडजेक्टिव है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में और यहाँ पर देख रहे हैं बॉय बॉय हमारा सिंगुलर हो गया अगर यहाँ वन ऑफ नहीं लगा होता वन ऑफ द नहीं लगा होता तो बॉय ही हमारा क्या होता सही तो बॉय नहीं हो के क्या होना चाहिए बॉयज होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर ये ये वाला रूल भी हमारा आज खत्म हुआ ठीक है अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो इसमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख ठीक तो आइए हम लोग नाउन का जो नंबर वाला है एक और लास्ट रूल हम लोग देख लेते हैं वो जो लास्ट रूल है हमारा कलेक्टिव नाउन से संबंधित है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन होता है सिंगुलर की तरह भी वर्क करता है और प्लूरल की तरह भी वर्क करता है कैसे करता है ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं आज का वो आखिरी रूल तो चलिए तो यहाँ पे अगर हेडिंग देखें तो हेडिंग में लिखा हुआ है कुछ कलेक्टिव नाउन कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल की तरह कार्य करते हैं तो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनको सिंगुलर में भी रखा जाता है और प्लूरल में भी रखा जाता है और कुछ नाउन तो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं और कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकते हैं ठीक है तो कैसे होंगे कोई अगर कलेक्टिव नाउन आया हुआ है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो सिंगुलर की तरह वर्क कर रहा है कि प्लूरल की तरह वर्क कर रहा है तो सेंटेंस में आएगा तो कैसे आएगा या, ज, जब यह की तरह कार्य करे सिंगल अनडिवाइडेड बॉडी का मतलब है पूरा ग्रुप अगर मान लो कलेक्टिव नाउन में तो ग्रुप ही होगा अगर कोई काम करना है एक डिसीजन हमको लेना है एक काम करना है तो पूरा ग्रुप मिलकर सेम वही काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो होगा कलेक्टिव नाउन क्या होगा सिंगुलर होगा तो जब सिंगल एंड डिवाइडेड बॉडी की तरह काम करता है तो वो कलेक्टिव नाउन हमेशा कैसे यूज होता है सिंगुलर की तरह यूज होता है ठीक वह कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरह यूज होता है ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें पूरा क्लास है अगर हम क्लास की बात करते हैं तो पूरा क्लास चुपचाप शांति से पढ़ाई कर रहा है तो पूरा क्लास मिलकर एक ही काम कर रहा है तो वहां पे जो क्लास हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगुलर ठीक है अगर हम वहीं पे क्लास की बात करें और क्लास आपस में झगड़ा कर लिए आपस में एक दूसरे झगड़ा कर लिए तो सभी लोगों का मत जो है डिसीजन सबका एक ही नहीं रहा तभी तो झगड़ा हुआ तो वहां पर वो अलग हो जाएगा तो यहाँ पे जब एक ही पूरा ग्रुप मिलकर एक ही काम करता है तो वहां पर वो सिंगुलर होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है तो उसका जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन इट होता है ध्यान देना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज्यादा बात है कि जब कोई कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरह कार्य करता है तो वहां की तरह काम करेगा जब इसके सदस्यों का बोध होता है ना? जब कलेक्टिव नाउन में रहने वाले जब सदस्यों का बोध होने लगे यानी हर एक लोग अलग अलग मत पे खड़े हो जाए है ना अलग अलग अपना विचार रखने लगे तो वहाँ पर सब कलेक्टिव नाउन एक ही काम तो नहीं कर रहे हैं अलग अलग विचार करने लगे उसके सदस्य जो लोग हैं जो भी है वो अलग अलग काम करने लगे तो जब भी ऐसी बात आती है तो वो हमारा जो नाउन कैसा हो जाएगा वो कलेक्टिव नाउन हमारा हो जाएगा प्लूरल ठीक है तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो जाएगा तो एक बात बताइए जब ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा था तो उसका प्रोनाउन क्या बना बना और जब ये प्लूरल की तरह काम कर रहा है तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा उसका प्रोनाउन बनेगा दे समझ आ रही बात तो ये दोनों पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब पूरा ग्रुप मिलकर एक ही एक ही काम करे पूरा ग्रुप मिलकर तो वहां पर क्या होता है वो सिंगुलर होता है लेकिन जब उसके ग्रुप के सदस्य के लोगों में मतभेद हो जाता है अलग अलग काम करने लगते हैं तो वहां पर वो प्लूरल हो जाता है ठीक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इंटू देयर डिसीजन जो ज्यूरी लोग थे ज्यूरी का मतलब ग्रुप ऑफ जजेस जो ज्यूरी लोग थे वो डिवाइड uh, हो गए डिवाइड हो गए मतलब बट गए है ना इंटू देयर डिसीजन अपने अपने डिसीजन को अपने अपने जो निर्णय को लेकर बट गए तो जितने भी ज्यूरी लोग थे अपने अपने डिसीजन को लेकर अलग अलग हो गए सबका डिसीजन एक नहीं रहा तो बट गए तो इसका मतलब ये बताओ सिंगुलर होगा कि प्लूरल ये कलेक्टिव नाउन जब बट गए अलग अलग काम कर रहे हैं तो वहां पर ढेर सारा काम ऐसा भी कर सकते हैं अलग अलग काम कर रहे हैं तो कई सारे काम हो जाएंगे तो यानी प्लूरल की तरह काम करेगा तो जो ज्यूरी है प्लूरल की तरह काम करेगा तो उसके लिए वर्ब भी तो प्लूरल आना चाहिए तो ये यह यहां पर गलत है तो क्या होगा द ज्यूरी वर डिवाइडेड इंटू देयर डिसीजन तो यहां पर देखेंगे जब ये प्लूरल की तरह काम किया है तो उसके लिए क्या लगा दियर लगा अगर ये सिंगुलर की तरह काम करता तो वहां क्या लगता इट्स लगता इट्स डिसीजन समझ में आ रही बात आगे देख लेते हैं कंपनी आर ओपनिंग अ न्यू फैक्ट्री अब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी एक ग्रुप है लोगों का ग्रुप है उसमें कई सारे लोग आते हैं और सभी लोगों को सभी लोग मिलकर एक नई कंपनी एक नई फैक्ट्री खोल रहे हैं जब सभी लोग मिलकर एक नई फैक्ट्री खोल रहे हैं यानी सभी लोग पूरे ग्रुप को मिलकर एक ही काम किया जा रहा है तो वहां पर जब एक ही काम किया जाता जा है तो वो क्या होता है सिंगुलर होता है तो कंपनी यहां पर क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा तो यहां पर जो आर लिखा है ये आर गलत है तो क्या हो जाएगा इज तो हो जाएगा माई कंपनी इज ओपनिंग अ न्यू फैक्ट्री ठीक है आगे देख लेते हैं द टीम वर स्ट्रोंग द टीम वर स्ट्रांग की बात करते हैं मान लो क्रिकेट टीम है तो वहां पर वो पूरा टीम स्ट्रांग हो है. यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरा टीम जो है कि स्ट्रांग है क्या एक एक करके लोग स्ट्रांग है कि सभी लोग मिल के मिल के बढ़िया खिलाड़ी हुए तब उसके बाद टीम स्ट्रांग हुआ किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को तो नहीं बोला जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया ये सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं मिल के ही काम किया जा रहा है मिल के ही स्ट्रांग हो रहे हैं तो यहाँ पर टीम जो हो गया अब यहाँ पर सिंगुलर हो रहा है ठीक है जब ये सिंगुलर हो रहा है तो यहाँ पर जो वर लगा है ये गलत होगा तो वर गलत होगा तो क्या हो जाएगा वॉज द टीम वॉज स्ट्रांग जो टीम थी वो बहुत स्ट्रांग थी तो यहां पर बात करते हैं तो ये वर नहीं होकर क्या हो जाएगा वॉज हो जाएगा ठीक अब वही टीम वाले लोग आपस में मार झगड़ा कर ले आपस में मार झगड़ा करने का मतलब है कि अब एक, किसी एक बात पर डिसीजन सबका नहीं रहा होगा सबका डिसीजन एक ही तो नहीं रहा होगा तभी तो झगड़ा हुआ तो यहाँ पे द टीम वर फाइटिंग इट्सल्फ जो टीम जो थे आपस में ही स्वयं से ही मार कर लिए है ना तो झगड़ा कर लिए तो यहाँ पर देख रहे हैं टीम झगड़ा जब कर रहे हैं तो उसके पर्सन की बात हो रही है ना उसके लोगों की बात हो रही है कलेक्टिव नाउन के तो ये प्लूरल की तरह काम करेगा तो प्लूरल की तरह यहाँ पर काम कर रहा है ठीक है लेकिन 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 यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा क्या आया है इट्स आया है और मैंने क्या बताया था कि जब कोई कलेक्टिव नाउन प्लूरल की तरह काम करता है तो उसका प्रोनाउन क्या बनता है दे और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिर क्या बनेगा इट तो होगा नहीं क्या हो जाएगा यहां पर उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा देम ठीक है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम हो जाएगा ठीक है तो आज हम लोगों का ये नाउन का जो सिलसिला था खत्म हो गया नाउन के नंबर का अभी नाउन में हम लोगों को पजेसिव केस पढ़ना है पजेसिव केस को अगर हम देखें तो पजेसी को एक अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आज हम लोग इतने पे ही रोकते हैं अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार